तो चंडीगढ़ में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में गत दिन बजट पेश किया जाना है और इससे पहले भाजपा द्वारा विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया गया था और इसके तहत पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में सेक्टर 37 दफ्तर से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश की गई। विधानसभा का घेराव करने जा रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा पानी की बौछार की गई है। जी हां, इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि पुलिस द्वारा लगातार इन प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की जा रही है और साथ ही पुलिस ने कई भाजपा नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये प्रदर्शन राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी को पार्टी की लोक विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि वो सरकार के कानों तक आम लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं और इस दौरान भाजपा द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चंडीगढ़ में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगातार पानी की बौछार कर रही है और साथ ही पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी की लोक विरोधी नीतियों के खिलाफ इनका ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है।